लोकसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, राजनीतिक पार्टियों की सरगर्मियां बढ़नी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा रालोद के गठबंधन के बाद तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साहित है। बड़े नेताओं के साथ बूथ स्तर पर भी सारे कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य बनाने को लेकर इतवार को सपा बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं के अलावा जिले के सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद रहे। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने का संकल्प लिया। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले की एकमात्र डुमरियागंज लोकसभा सीट बसपा के खाते में गई है और यहां में बसपा के प्रत्याशी आफताब आलम उर्फ गुड्डू भैया को बसपा से डुमरियागंज लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। कार्यकर्ता सम्मेलन में आए बसपा के प्रभारी आफताब आलम उर्फ गुड्डू भैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसके पहले भी सपा बसपा ने केवल समर्थन किया था, जिसका रिजल्ट लोगों ने देखा। इस बार तो गठबंधन हुआ है और जब अन्य दलों के ताल ठोकने पर सवाल किया गया तो उनका कहना था कि गठबंधन के सामने कोई नहीं टिकेगा। किसानों और युवाओं को 5 सालों में जो दिक्कत हुई है उनको दूर करने के लिए गठबंधन हुआ है। वहीं सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रामकुमार उर्फ चिंकू यादव से सवाल किया गया तो क्या कार्यकर्ता जिस तरह से सपा के लिए वोट करते थे क्या गठबंधन के लिए वोट करेंगे। उनका कहना था कि बस्ती मंडल हो या पूरे उत्तर प्रदेश में चाहे सपा का कोई कार्यकर्ता हो, नेता को सभी सपा व बसपा के प्रत्याशी को जिताने का काम करेगा। वही कार्यकर्ता सम्मेलन में आए मुख्य अतिथि के रूप में बसपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी का कहना है कि गठबंधन से पूरा बल मिला है और जोश से दलित नौजवान किसान सभी मिलकर गठबंधन को जिताने का काम करेंगे। सिद्धार्थनगर से दीप कुमार यादव की रिपोर्ट। आपको बाई इलेक्शन जब हुआ था ना तो गोरखपुर में आप देखिए वहाँ भी ताल ठोके थे डॉक्टर सुरिता करीम जो है, और फूलपुर में जो है तीक अहमद साहब जो पूर्व सांसद विधायक भी रह चुके हैं, तो उस समय भी आपने देखा था, उस समय समर्थन हुआ था। इस बार तो गठबंधन हुआ है तो गठबंधन के आगे कोई टिकेगा नहीं, क्योंकि जनता जो है जो गठबंधन हुआ है वो जनता को पूरी तरीके से जो 5 साल में दिक्कतें हुई है उसको दूर करने के लिए, किसानों को युवाओं को हर तरीके से जो एक बेहतर दिशा देने के लिए गठबंधन हुआ। बस्ती लोकसभा और मंडल की आप बात छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ सपा का हर कार्यकर्ता हर नेता गठबंधन के साथ खड़ा है और जहां चाहे वो सपा का उम्मीदवार हो या बसपा का उम्मीदवार हो उसको जिताने के लिए पूरी निष्ठा के साथ गठबंधन के साथ खड़ा है। और जोश में और जोशो खरोश से मदद करेंगे। गठबंधन से पूरा बल मिला है, समाज में दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक पूरा नौजवान एकदम लग करके काम करेगा जिताने के लिए।